नमस्कार दोस्तों, मंसूर गाथा देवीदास बेरगी के साथ YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। क्या है कि यात्रा का जो क्रम है, आइए सर राहुल जी, हम निरंतर कहीं ना कहीं वीडियो बनाने के लिए जाते रहते हैं। दिन भर गाड़ी पे संघर्ष करना रहता है और अभी फिलहाल हम देखिए किस प्रकार से हमारे राहुल जी उतर रहे हैं। तो ऐसे करके हम गिड़ नदी के अंदर जा रहे हैं। हमने एक बार पहले भी यहाँ का वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में यहाँ बहुत पानी था, लेकिन आज पानी नहीं है और हम आपको दिखा रहे हैं कि कोटेश्वर महादेव क्यों प्रसिद्ध है। जो कुंड आप पीछे देख रहे हैं हमारे, इस कुंड में नहाने से जो कुष्ठ रोग होते हैं वो कुष्ठ रोग यहाँ ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और इसी कारण इसको कोड़ियाजर महादेव कहते हैं। तो जब यहाँ बांध में पर्याप्त पानी था तो हम आ नहीं पाए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बांध खाली हो चुका है। आप पीछे बांध भी देख पा रहे हैं और बहुत ही शानदार लोकेशन इसकी है। देखिए आप पीछे पहाड़ हैं, बहुत अच्छी लोकेशन यहाँ पर है। और हमारे साथ साथ आदरणीय राहुल जी पैदल नियमित संघर्ष कर ही रहे हैं, क्योंकि भविष्य में क्या वीडियो ब्लॉगिंग ये भी प्रारंभ करेंगे। तो आज हमारे मित्र गोपाल जी जाट का जन्मोत्सव कार्यक्रम था छोटा सा, तो हम यहाँ आए थे। तो सोचा जब बांध में पानी था तो हम आ नहीं पाए, और अब पूरी तरीके से गिड़ नदी खाली हो चुकी है तो हम यहाँ आ गए हैं। पहले हमने कोटेश्वर महादेव का एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने आपको ऊपर का जितना भी क्षेत्र है, मंदिर है, भगवान है और यहाँ की सुंदरता है, पानी है, सब कुछ दिखाया था। आज हम थोड़ा नदी के बिल्कुल बेस सेंटर में जाकर आप देख पा रहे हैं, दिखाते हैं। तो बने रहे मंसूर गाथा के साथ और देखिए शानदार व्यू को, क्योंकि बहुत ऊंचाई से उतरे हैं और नीचे भी बड़े बड़े पत्थर हैं, इनमें चलकर आया तो सांस भर चुकी है। तो आप वीडियो देखिए, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार हम नदी के बीच हैं और ऊपर जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं आधी तो बह गई है पानी में, वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जो यहाँ कोड़ियाजर महादेव जिन्हें कोटेश्वर महादेव कहते हैं वो हैं। किस प्रकार शांत वातावरण है, हरियाली है और प्राकृतिक सुंदरता के बीच यह ऐतिहासिक बहुत प्राचीन स्थान है। तो पहले नदी में पर्याप्त पानी होने की वजह से यहाँ बहुत अच्छे झरने भी चलते हैं तो हम आ नहीं पाए। आप देख सकते हैं किस प्रकार हरियाली है, बड़े बड़े पत्थर इस नदी में हैं और हाँ, और देखिए कितने बड़े बड़े पेड़। जब हमने वो पहला वाला वीडियो बनाया था ना, तो पेड़ पूरा डूबा हुआ था पानी में, तो आधे से अधिक, और आज देखिए पूरा तना इसका खाली है और सूर्यास्त का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। शानदार व्यू नदी के मध्य से आ रहा है और पीछे मंदिर है इसलिए ढोल बज रहा है, तो क्या है कि आवाज़ थोड़ी सी अगर क्लियर नहीं आ रही होगी तो हम बाद में भी एक बार रिपीट में आपको करेंगे। तो इस स्थान को कोड़ियाजर महादेव के नाम से जाना जाता है, यह हमने बताया आपको। और देखिए थोड़े से पत्थरों को भी देखिए आप, किस प्रकार बड़े बड़े पत्थर हमारे पानी में काटे भी हैं। यहाँ पे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। और ये देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की हूबहू आवाज़ निकालने वाले अशोक जी असलिया भी नदी में हमारे बीच आ चुके हैं। नारालाल जी पाटीदार हैं, इनका भी वीडियो हम पूर्व में हमारे मंसूर गाथा यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। जय हो, स्वागत है सर आपका पुनः हमारे मंसूर गाथा यूट्यूब चैनल पर। और ये नानालाल जी भी बहुत दुर्गा का पत्थर पे बैठ गए हैं, ये तपस्या करने के मूड में लग रहा है मुझे। और हमारे कुछ अन्य मित्र भी वहाँ हैं, तो निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा मंसूर गाथा का यह वीडियो देखकर, क्योंकि जब हमने पहले बनाया था तो पानी था और आज यह स्थान खाली है। तो थोड़ी और चर्चा बाय वीडियो फिर करते हैं, धन्यवाद। तो ये ढोल है क्या, निरंतर बजता जा रहा है, हो सकता है इसके लिए आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रहे। देखिए हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं और भक्तों का तांता, क्योंकि ये भी जय भोलेनाथ, कभी सरपंच साहब सामने रखिएगा, हर हर महादेव। ये सभी मित्र भी इससे पहले यहाँ कभी अंदर नहीं आ पाए, क्योंकि पीछे जो बांध देख रहे हैं वो भरा हुआ रहता था,
तो इसी के साथ हमने पहले ऊपर का वीडियो बनाया था, आपको प्रस्तुत किया था, आपने देखा बहुत अच्छा सहारा रहा उसको। और ये दिनेश जी भी जनपद के कार्य से निवृत्त होते हुए जय श्री महाकाल, डर जाएंगे हमारे दर्शक। अब चलते हैं ऊपर, ताकि क्या है कि जिस मूल उद्देश्य से हम यहाँ पर आए हैं, भोजन, वो कर लेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अगली यात्रा पर। धन्यवाद, बने रहें सदैव मंसूर गाथा के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। और धन्यवाद, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक और परीक्षा हमारी होने वाली, देखिए कितनी खड़ी सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों पर हमें चढ़ना है। तो मित्र चढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं बहुत ऊंचाई तक जाना है, क्योंकि हम नदी के बिल्कुल अंदर थे। तो ये श्रद्धालु की संख्या भी बहुत अधिक, बाहर भोग लग चुका है, यानी कि हमें भोजन प्रसाद ही शीघ्र ही मिल जाएगी। बहुत ऊंचे तक चढ़ते चढ़ते आ गए हैं, सांस यहाँ पर सीढ़ियों पर चढ़ करके ये देख अपनी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। हम मानते हैं कि देवीदास जी के अथक प्रयासों से हर भक्त के मार्ग को, हर भक्त के दर्शन होने का लाभ मिलता है। मैं देवीदास जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जी सर। बहुत धन्यवाद साहब। अब ऊपर आ चुके हैं और वो साइड में हमारे भोजन की तैयारी हो चुकी है। ये इनकी भी सांस बहुत ऐसा ही है। तो अब क्या है कि भोजन अच्छे से करेंगे ना, तो सारी जो एनर्जी हमारी चली गई है पुनः आ जाएगी। धन्यवाद। आज खा लिया मैंने इसके जो निवाला ले रहा हूँ पनीर है। पनीर क्या है कि बहुत ही स्मूथ रहता है। जी बहुत आसान रहता है। गुलाब जामुन का भी कुछ फायदा है खाने से? वो सब बहुत अच्छा फायदा है, लेकिन मेरे हाथ में एक भी नहीं आया, मैं 5 बार लेके आया हूँ। जी उठा के लेके आया। जी खा लेता हूँ, आप भी भोजन करते। जी जी।